been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द जेएमडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डॉक्टर डूम मूवी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉक्स ने एक साल पहले ही डॉक्टर डूम मूवी अनाउंस कर दी थी और देन इसे अनाउंस करने का काम दिया था ली ज़ेन के डायरेक्टर को। तो ली ज़ेन के डायरेक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि इस मूवी को अगर बनेगी तो मैं बनाऊंगा। जी हाँ, उन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया था। अब इम्पोर्टेंट बात रहती है कि अगर फॉक्स और मार्वल की डील हो जाती है तो ये मूवी फॉक्स से हटकर मार्वल के अंडर बनेगी। और मार्वल के अंदर फॉक्स की मूवी बनना यानी कि डॉक्टर डूम, तो फैंटास्टिक फोर का कंफर्म है ही है। और उसके बाद कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि डॉक्टर डूम में एंटर कर सकते हैं एक कैमियो के तौर पर, तो काफ़ी अच्छी बात होगी कि हमें थैनोस के बाद एक गैलेक्टस विलेन दिखेगा। और फाइनली इसकी स्क्रिप्ट और इसका स्क्रीन प्ले कन्फर्म हो चुका है। जी हाँ, इसके दोनों चीज़ों पर काम कम्प्लीट हो गया। अब इम्पोर्टेंट है कि इसे कास्ट कौन करेगा, क्योंकि हमें पहले वाला डॉक्टर डूम बिल्कुल नहीं चाहिए, या तो हमें चाहिए पुराना वाला डॉक्टर डूम जो कि काफ़ी अच्छा लगता था। तो देखते हैं कि मार्वल या फॉक्स जिसके अंडर भी ये मूवी आती है कौन डॉक्टर डूम बनता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर रेड एल के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।